अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पार्ट टू ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लेक्चर। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? सो टू स्टार्ट विद जस्ट हैव अ क्विक रीकैप ऑफ व्हाटएवर वी लर्न्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, और उसकी मैंने एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। अगर आप चाहें तो आप उसको देख सकें, डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप लोग उसको एक तो वैसे मेरे साथ रिवाइज कर लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजेरियल फंक्शंस प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स डिफाइन करते हैं, ओवरऑल स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्लान्स डिफाइन करते हैं, जो भी पेपर वर्क है वो प्लानिंग में आ जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, जिसमें टास्क कौन से करने हैं, किसने करने हैं, उसके लिए रिसोर्सेज कौन से रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का रिक्वायर्ड है, वो सारा का सारा जो है आपका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है। उसके बाद लीडिंग फंक्शन, कि एक दफा जब काम शुरू कराना है तो यू हैव टू डायरेक्ट द पीपल, यू हैव टू कोऑर्डिनेट दोज पीपल, यू हैव टू मोटिवेट दोज पीपल, यू हैव टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट बिटवीन दोज पीपल, ठीक है। तो ये सारे लीडिंग फंक्शंस हैं जो एज अ मैनेजर आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड फाइनली द कंट्रोलिंग फंक्शन, ठीक है, कि ये इंश्योर करना कि चीजें उस तरीके से हो रही हैं जैसे आपने प्लान की थी। मैनेजर का ये काम है कि वो मॉनिटर भी करता रहे परफॉर्मेंसेस को, और जो परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज बनाए होते हैं उसको आप कंपेयर करते हैं विद द गोल्स, विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। जो आपने गोल्स बनाए होते हैं, जो आपने बेंचमार्क्स बनाए होते हैं, उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। सो दिस इज वन एस्पेक्ट जिसको हम मैनेजमेंट फंक्शन कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, then we have another perspective जिससे हम देखते हैं कि मैनेजर क्या करता है। those are managerial roles, ठीक है। managerial roles basically interrelated roles होते हैं। ये नहीं है कि सारे roles जो हैं वो एक दूसरे से अलहदा अलहदा हो, overlapping roles होते हैं, मतलब आप एक ही वक्त में बहुत सारे roles perform कर रहे होते हैं। for instance you can be a liaison whenever you are in a meeting, और साथ साथ liaison होने के साथ आप एक disseminator का role या एक spokes person का role भी वहां पे play कर रहे होते हैं। तो ये हमने देखा था कि देयर आर 10 रोल्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज इंटरपर्सनल, योर रोल एज अ पर्सन, अ मैनेजर इज अ फिगर हेड, द टॉप पोजीशन ऑफ आइदर अ डिपार्टमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ स्मॉल बिजनेस यूनिट और अ कंट्री और अ प्रोवेंस, ठीक है। तो वो एक सिंबॉलिक हेड होता है। अब जाहिर है कि जब आप कहीं पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे अगर आपने अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा चांस है कि मैनेजर या तो खुद जाए या फिर किसी को डिप्यूट करे कि उसके बिहाफ पे जाए, ठीक है। तो वो एक फिगर हेड, एक द किंग ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसे हम जेन में अपने के जेन में ये आना चाहिए, द लीडर, द फिगर हेड इज बेसिकली द टॉप मोस्ट सिम्बॉलिक पोजिशन। अच्छा जी, उसके बाद लीडर, ठीक है, वही वाले काम जो लीडर फंक्शन में है, वही वाले काम वो लीडर एज अ रोल। एंड लियन, ठीक है, कि जो कॉन्टेक्ट मेंटेन रखता है बिटवीन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड वर्ल्ड। रोल्स एज इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, मॉनिटर करनी है, डिसिमिनेट करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को, डिसिमिनेट करनी है, और स्पोक्स पर्सन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री मीटिंग्स में, एसोसिएशन की मीटिंग में, जर्नल कोई और कॉन्फ्रेंसेज है वहां पे, गवर्नमेंट के साथ कोई बात हो रही है वहां पे, आपके ग्राहकों के साथ कोई इवेंट हो रहा है वहां पे, तो एज अ स्पोक्स पर्सन भी मैनेजर को रोल प्ले करना होता है। फाइनली द इम्पोर्टेंट रोल्स, डिसीजन मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो हम ओबी में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो आप अपने और फर्दर कोर्सेज में पढ़ते हैं, उसमें डिसीजन बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हाउ टू मेक डिसीजंस, ठीक है। डिसीजंस की किस्में कैसे होती है, जैसे यू ऑलरेडी नो दैट अ डिसीजन कैन बी एन इंट्यूशनल डिसीजन, कि जो आपकी गट फीलिंग है उससे आप डिसीजन कर सकते हैं, एंड अ डिसीजन कैन बी वेरी सिस्टमैटिक एज वेल, जिसे हम रैशनल डिसीजन मेकिंग कहते हैं, कि यू कैन ऑलवेज यूज सम टूल्स एंड टेक्निक्स। एंड देयर इज अनदर कोर्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे रिसर्च का कोर्स आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप टूल्स एंड टेक्निक्स को सीखते हैं जिससे आप एक बड़ी रिसर्च बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सके। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आप कोर्स अगर पढ़ें फॉर इंस्टेंस, या स्ट्रेटजीज बनाने का तरीका सीखें तो आप उस डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं। फाइनेंस बेस्ड बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको
फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करते हैं. सो डिसीजन आर इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ मैनेजेरियल जॉब. एज अ मैनेजर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ योर जॉब. आप एक न्यू आइडिया, एक रिस्क टेकिंग अप्रोच के साथ अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हुए जब प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं. अब बीइंग एन एंटरप्रेन्योर समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कि उनको लगता है कि एंटरप्रेन्योर इज ऑल अबाउट अ न्यू बिजनेस, ऑल अबाउट इफ यू आर डूइंग बिजनेस. इट्स नॉट लाइक दैट. आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब कर रहे होते हैं, उसको सर्व कर रहे होते हैं, तो योर फंक्शन एज एन एंटरप्रेन्योर इज इंपॉर्टेंट. क्या आप वहां पे रहते हुए न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू इनिशिएटिव्स किस तरीके से आपकी क्या अप्रोच है उनके मामले में, दैट इज आल्सो वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. और उन्हीं में से जो आगे बढ़ती हैं, जैसे अगर एप्पल का सीईओ किसी बंदे को बनाया गया होगा तो उसके पीछे पूरी हिस्ट्री है. टिम कुक ने एप्पल को सर्व किया है, टिम कुक ने कितने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, टिम कुक जो है वो एप्पल का जो इस टाइम सीईओ है वो कितना अरसे न्यू प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग के अंदर वो रहा है, उनका वो पानी है नए नए प्रोडक्ट्स का. तो आप अगर हिस्ट्रीज पढ़े बहुत सारे करंट सीईओस की, तो दे आर एन एंटरप्रेन्योर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिव एक्शन, अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंसेस, कोविड, फ्लड, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, पावर शॉर्टेज, लोगों की लड़ाई लेबर के साथ, ऑल दैट इज डिस्टर्बेंस हैंडलर. रिसोर्स एलोकेटर, ये हमने पहले भी देख लिया ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में रिसोर्स एलोकेशन होती है, कि आपने किस तरीके से जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है. एंड नेगोशिएटर, नेगोशिएशन करना, अपनी बात मनवाना, अपने टर्म्स एंड कंडीशन मनवाना. अब वो डिफरेंट लेवल्स पे हो रही है, कस्टमर्स के साथ हो रही है, सप्लायर्स के साथ हो रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हो रही है, कंपेटिटर्स के साथ हो रही है, लेबर्स के साथ हो रही है. नेगोशिएशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ अ मैनेजर. मूविंग फॉरवर्ड, द थ्री इंपॉर्टेंट स्किल्स अ मैनेजर शुड पोजेस, और हमने ये भी देख लिया कि कौन सी लेवल पे कौन से स्किल्स की ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग विद द टेक्निकल स्किल्स, आपका जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है फाइनेंस में है, मार्केटिंग में है, एचआर में है, सप्लाई चेन में है, आईटी में है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपका जो टेक्निकल नॉलेज, जो आप या आपका मेडिकल का नॉलेज है जो आप अपनी एजुकेशन के जरिए हासिल करते हैं, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन के जरिए हासिल करते हैं या किसी डिप्लोमा और डिग्री के जरिए हासिल करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. एट व्हाट लेवल, ऑब्वियसली इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंस होती है व्हेन यू आर लोअर लेवल मैनेजर. ठीक है, बीइंग अ लोअर लेवल मैनेजर इसकी एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट होती है. बहुत कम ऐसे होता है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज ना हो और आप किसी फील्ड में चले जाए. ठीक है, तो यू नीड टू पोजेस दैट टेक. इनिशियली आप लोग जो चीजें, जो स्किल्स हासिल कर रहे हैं, आईटी के स्किल्स हासिल कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आपने मे बी, आई एम नॉट श्योर कि अभी वो आपका डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स स्टार्ट हुआ है कि नहीं, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, स्किल्स हासिल कर रहे हैं, दीज आर योर टेक्निकल स्किल्स. लेकिन अब बात यह है कि दो बातें आपके जहन में रहनी चाहिए. एक तो सारे के सारे टेक्निकल स्किल्स आप स्कूल्स में या फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में नहीं सीखते. अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा जब आप जॉब्स में जाओगे कि देयर विल बी सो मैनी थिंग्स, प्रैक्टिकल थिंग्स जो आप जॉब्स में सीखोगे. और अक्सर लोग ये कहेंगे यार कि यूनिवर्सिटी में तो वो बात हमें नहीं बताई जाती जो हमें जॉब पे जाके पता चलती है. दिस इज ट्रू, बट होता यह है कि यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से पहले की एजुकेशन आपकी बेस बना रही है. देखो, आप अगर मैथ्स के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा इस चीज का भी अमल दखल है कि आपने अपनी छोटी क्लासों में टेबल्स याद किए थे, मल्टीप्लीकेशन टेबल्स याद किए थे, सीखे थे, मल्टीप्लीकेशन सीखी थी. चाहे अगर आप कैलकुलेटर पे भी इवन उसको सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखा था. आपने x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 में x कैलकुलेट करना सीखा था. हालांकि वो चीजें आपके जहन से निकल गई होंगी बहुत सारी जो आपने अपने स्कूल लेवल पे सीखी है, बट नाउ यू आर यूजिंग बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन यूर सबकॉन्शियस. वो आपके पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई है.
इसी तरह यूनिवर्सिटी में जब आपकी चीजें लर्न कर रहे हो दे आर मे बी एग्जैक्टली, अभी बहुत सारे लोग मजाक भी इस बात का उड़ाते हैं कि यार हमने ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ा है लेकिन कभी यूज नहीं हुआ, बट देर आर मैनी फील्ड जहां पे यूज होता है, वो आर्किटेक्ट्स यूज करते होंगे उसको कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन जरूर होगी। तो इसी तरह अब जो आप पढ़ रहे हो बैक एंड पे उसकी एप्लीकेशन है, आईटी वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मेडिकल का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उन्हें मेडिकल का नॉलेज चाहिए होता है। आप लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो, अभी कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मे बी इस क्लास में भी हों लेकिन सीनियर्स में हैं, जो फार्मा में जॉब कर रहे हैं एंड नाउ दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट फार्माकोलॉजी, हालांकि उन्होंने फार्माकोलॉजी की डिग्री नहीं की, ठीक है, बट वो बहुत सारी दवाइयों के बारे में जानते हैं, उन दवाइयों को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो टेक्निकल स्किल हैज इट्स इंपॉर्टेंस, बट जैसे बताया एट वन लेवल दैट इज लोअर लेवल, जैसे जैसे अपर लेवल आती जाती है टेक्निकल स्किल्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती जाती है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ऑन द अदर हैंड, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है कि आप जी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एनालाइज कर सकें, उनको डायग्नोज कर सकें कि जी इनकी बैक एंड पे क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं। अब जैसे डिसीजन मेकिंग की हमने बात की थोड़ी देर पहले, डिसीजन मेकिंग के अंदर होता यह है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू करेक्ट दोस प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड यू आल्सो हैव टू एवेल्यूएट के जी उन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में से कौन सा जो सॉल्यूशन है दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल स्किल, क्यों, क्योंकि हर कोई एक जैसा डिसीजन नहीं ले सकता, हर कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता, देर आर फ्यू पीपल हु कैन डू दैट, और वही लोग होते हैं जो टॉप पे पहुंचते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है व्हेन यू आर एट अ टॉप लेवल और अ टॉप लेवल मैनेजर। अच्छा, अब यहाँ पे बीच में मैं छोड़ गया ह्यूमन स्किल्स की बात कि जी ह्यूमन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है और ह्यूमन स्किल्स क्या होते हैं। सो रिसर्च ने साबित किया है कि ह्यूमन स्किल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट एट वट एवर मैनेजेरियल पोजिशन यू आर। आपकी फर्स्ट जॉब से लेके आपकी रिटायरमेंट या इवन रिटायरमेंट ना हो, आप काम करते रहो एंड ऑफ योर लाइफ तक, यू नीड टू हैव दीज ह्यूमन स्किल्स। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि नॉट ओनली ऑन योर वर्क लाइफ, नॉट ओनली इन योर प्रोफेशनल, इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल, यू नीड टू पोजेस दोस ह्यूमन स्किल्स और द एबिलिटी टू वर्क विद, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल, नॉट ओनली इंडिविजुअल पीपल ऑल्सो द ग्रुप्स। और अक्सर यहाँ पे ही बहुत सारे लोग मार खाते हैं, कई लोग, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो टेक्निकली बहुत प्रोफिशिएंट है, दे आर वेरी गुड इन दोज टेक्निकल स्किल्स, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के स्किल्स हैं, चाहे वो रिपेयर के स्किल्स हैं, जो बहुत प्रोफिशिएंट हैं टेक्निकली, बट इंटरपर्सनली दे आर इनकॉम्पिटेंट। ये इनकॉम्पिटेंसी उनको एक खास लेवल से ऊपर नहीं जाने देती, ये कॉम्पिटेंसी उनको उनका बिजनेस को ग्रो करने नहीं देती, ये कॉम्पिटेंसी उनको उनका जो पैसा मार्केट में लगा होता है वो वापस नहीं दिलवा पाती, ये कॉम्पिटेंसी उनको लोगों में इनफेमस बनाती है, ठीक है, उनकी वजह से वो जो उनका जो वो जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो पुअर लिसनर्स हो सकते हैं, दूसरों की नीड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि कन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं कर पाते, लड़ पड़ते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, वे सारी चीजें जो हैं वो उनकी ह्यूमन स्किल्स में होती हैं। अच्छा, ये तो वो चीजें थी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अब एक चौथा पर्सपेक्टिव है जो मैनेजर्स कि जो हम कहते हैं ना, जो मैनेजर्स अपनी जॉब कर रहे हैं उसको देखने का एक चौथा पर्सपेक्टिव है, दैट इज मैनेजेरियल एक्टिविटीज। अच्छा, ये मैनेजेरियल एक्टिविटीज क्या होती हैं? ये रीसेंट रिसर्च है, रिसेंटली एक ऑथर लुथन्स, उसने ये देखा कि कुछ मैनेजर्स जो होते हैं वो अफेक्टिव होते हैं, कुछ मैनेजर्स जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और कुछ मैनेजर्स जस्ट एवरेज होते हैं। अच्छा, एवरेज मैनेजर्स तो मतलब
ठीक है, जो रूटीन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा सक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके चल रहे हैं, वो तो ठीक है। इफेक्टिव मैनेजर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्डिंग प्रोग्रेस करवा रहे हैं, ठीक है, वो इफेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मैक्सिमम अचीव करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स टाइमली एंड विद मोर एफिशिएंसी अचीव करवा रहे हैं, वो इफेक्टिव मैनेजर्स हैं। और कुछ मैनेजर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं बिकॉज वो प्रमोट जल्दी हो रहे हैं, वो मैनेजर्स की भी एक टाइप है। अब वो क्या फर्क है कि कुछ इफेक्टिव मैनेजर्स हैं, कुछ सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं, और कुछ जो हैं वो जस्ट रूटीन में मैनेजर्स हैं, जो एवरेज मैनेजर्स हैं। वो टाइप है जी, उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि जनरली मैनेजर्स कौन सी चार किस्म की एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं। तो एक और पर्सपेक्टिव है, ये चौथा पर्सपेक्टिव है, और यहाँ पे हम चार हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। वो फोर मैनेजेरियल एक्टिविटीज में सबसे पहली एक्टिविटी है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एक्टिविटी, जो हर मैनेजर कर ही रहा होता है, बरसों से करता आ रहा है, बहुत अरसे से वो मैनेजर की जो एक्टिविटीज है उसमें वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज कर रहा है। Those are the decision making activities, planning activities and controlling activities. ठीक है, तो ये जो है ये traditional activities है। उसके बाद जो managers अपना time spend करते हैं that is communication. Communicate करना, information share करना, paper work के जरिए या फिर verbally, emails के जरिए, WhatsApp के जरिए, that is the communication activities. तीसरी activities जो हर manager कर रहे होते हैं, that is human resource management activity, यानी human resource के अंदर जो भी हमारे different part आ जाते हैं, जैसे motivate करना, human resource को manage करने का एक aspect है, discipline करना अपने labor को, human resource को manage करना है, conflict को manage करना, staff को hire करना, fire करना, training कराना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज में मैनेजर्स आजकल बिजी रहते हैं। एंड फोर्थ इज द नेटवर्किंग। अच्छा, दिस इज अगेन जो मॉडर्न मैनेजर्स हैं वो नेटवर्किंग में बिजी रहते हैं, जैसे सोशलाइज करना, पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत करना, इधर से बात उधर, उधर से बात इधर, लोगों को अपने साथ मिलाना, अपना हम ख्याल बनाना एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स, यानी जो सोशलाइजिंग एंड नेटवर्किंग की एक्टिविटी है दैट इज आल्सो, ये हम बात कर रहे हैं कि आजकल के मैनेजर्स ये एक्टिविटी करते हैं, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दैट इज अनदर थिंग। तो ये फोर टाइप्स ऑफ मैनेजेरियल एक्टिविटीज। नाउ लेट्स सी कि एवरेज मैनेजर, सक्सेसफुल मैनेजर और इफेक्टिव मैनेजर, ये तीन किस्म के मैनेजर्स अपना टाइम किस तरीके से इन चार एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, और ये वाली बात किसी ने अपने दिमाग से नहीं सोची, दिस इज ऑल द रिजल्ट्स ऑफ अ रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च से ये पता चला कि जो एवरेज मैनेजर्स होते हैं, जिनकी कारकर्दगी बस एवरेज होती है, वो 32% ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज में, 29% ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं कम्युनिकेशन में, 20% ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड 19% वेरी लेस टाइम स्पेंड करते हैं नेटवर्किंग में। जो सक्सेसफुल मैनेजर्स होते हैं, जो प्रमोट जल्दी होते हैं, वो 48% ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं नेटवर्किंग में, 13% ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, 28% ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन एंड 11% ऑफ द टाइम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज में। और फाइनली वो मैनेजर्स जो इफेक्टिव होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, अपनी जॉब को बेस्ट तरीके से करते हैं, वो 44% ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं कम्युनिकेशन में, 26% टाइम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में, 11% ऑफ द टाइम नेटवर्किंग में और 19% ऑफ द टाइम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एक्टिविटीज में। सो आइदर यू प्रायोरिटाइज योर टाइम टू वन एक्टिविटी और द अदर एक्टिविटीज डिटरमिन कि व्हाट टाइप ऑफ मैनेजर यू आर गोइंग टू बी। लेकिन यहां पे ये बात भी ज़हन में रखना जरूरी है कि सक्सेसफुल मैनेजर समटाइम्स
जल्दी जल्दी प्रमोट हो जाती हैं फॉर द लोअर लेवल ऑफ हायरार्की। ठीक है, जैसे आप को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है, लैडर्स होते हैं, आप उनको अप करते जाते हैं। और सम टाइम्स ये वो वाले मैनेजर्स होते हैं जो अपनी जॉब्स को स्विच भी कर लेते हैं किसी और कंपनी में जाने के लिए, बिकॉज उनकी नेटवर्किंग अच्छी होती है। अफेक्टिव मैनेजर्स होते हैं, दे मे बी स्लो इन द बिगिनिंग, लेकिन टॉप पे ये भी पहुंच जाते हैं, बिकॉज आपकी कारकर्दगी हमेशा उसकी वर्थ होती है इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। ठीक है, जो सक्सेसफुल मैनेजर्स प्रमोट जल्दी होते हैं, बट दे कैन ऑल्सो, जितनी जल्दी प्रमोट है उतनी जल्दी वो गिर भी सकते हैं, उनका एक रिस्क फैक्टर रहता है। जो इफेक्टिव मैनेजर्स हैं वो स्लो एंड स्टडी होते हैं, बट सम टाइम वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात वहां पे हो जाती है। व्हाट डू मैनेजर्स डू, हमने ये चार पर्सपेक्टिव डिस्कस किए, और इन चार पर्सपेक्टिव में जो कॉमन थ्रेड है, यानी फंक्शंस, रोल, स्किल्स, एक्टिविटीज, ये चार हमारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं, इनके अंदर जो कॉमन बात है कि मैनेजर्स नीड टू डेवलप देयर पीपल स्किल। ठीक है, ये जो पीपल स्किल वाली हमने बात की है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, मैनेजर्स नीड टू डेवलप देयर पीपल स्किल इफ दे आर गोइंग टू बी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। एफिशिएंसी आपको पता है, आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है कि एफिशिएंसी मींस के मैक्सिमम आउटपुट हासिल की जाए विद मिनिमम इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, कि लोगों का टाइम कम इस्तेमाल हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, दैट इज एफिशिएंसी। माल कम जाया हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, दैट इज एफिशिएंसी। हम कम से कम टाइम में ज्यादा बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझा पाते हैं, दैट इज एफिशिएंसी। ठीक है, हम ऑनलाइन क्लास पढ़ाने के बावजूद स्टूडेंट्स को नॉलेज इम्पार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, दैट इज एफिशिएंसी। एंड इफेक्टिवनेस इज व्हेन यू आर अचीविंग द गोल्स। अब मेरा गोल ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आई शुड बी एबल टू इम्पार्ट द नॉलेज दैट इज आउट गिवन इन द कोर्स आउटलाइन टू यू पीपल। ये मेरा एक गोल है। अगर उसमें से आप में से 40 में से मे बी 30 पीपल जो है वो अच्छा तरीके से समझ जाते हैं, तो वो एक लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस होगी। अगर 40 के 40 समझ जाते हैं, वो एक हायर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस होगी। अगर 20 समझ पाते हैं सिर्फ, वो एक लोअर लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस होगी। ठीक है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप अपने गोल्स कितने अचीव कर रहे हैं। ये सेल्स के भी गोल्स हो सकते हैं, ये आपके प्रॉफिट्स के भी गोल्स हो सकते हैं, या आपके एचआर के भी गोल्स हो सकते हैं। डिफरेंट गोल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो व्हाट इज ओबी, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लेट अस सी द फॉर्मल डेफिनेशन। ऑफ कोर्स इट्स अ फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, जिस तरह और फील्ड ऑफ स्टडीज होती हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, फाइनेंस इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, सिमिलरली मार्केटिंग इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, मार्केटिंग की फर्दर सब फील्ड भी होती हैं। सिमिलरली ओबी इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, और आगे चल के हम देखेंगे कि ये आई कहाँ से, इसके अबाउजदाद कौन है, ये कौन से फील्ड से ये डिराइव हुई है। अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स, एक लेवल है एक अकेला बंदा, ग्रुप्स, लोग जो मिलके काम करके ग्रुप बनाते हैं, एंड स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक हायरार्की होती है, ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसका इंपैक्ट बिहेवियर पे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड बिहेवियर इज व्हाट एवर यू आर डूइंग। अब जो भी काम कर रहे हैं दैट इज योर बिहेवियर, अब जो भी नजर आ रहे हैं दैट इज योर बिहेवियर। आप तेज चल रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं, आप कूल माइंडेड हैं, आप काम में बिजी हैं, आप टाइम जाया कर रहे हैं, एवरीथिंग इज योर बिहेवियर। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप मुहज्जब हैं, आपने सूट पहना हुआ है, या आपने जस्ट कैजुअल वेयर पहने हुए हैं, दैट इज योर बिहेवियर। फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड्स इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। देखो, ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इज डबल कॉमर्स, यही तो लर्निंग है किस तरीके से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सर्व कर रहे हैं, या अपना बिजनेस जो हम खुद चला रहे हैं,
उसको मोर इफेक्टिव कर सकें बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल बिहेव और बाय अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ सर्टन फैक्टर्स ऑन पीपल्स बिहेवियर. सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डेफिनेशन, अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल्स groups and structure have on behavior within organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. First of all, you need to remember that organization behavior is a field of study. ठीक है, ये in itself एक पूरा discipline है. सबसे पहले तो हमने कहा field of study. Second number पे हमने कहा कि तीन level पे हम study करते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक ग्रुप लेवल पे और एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कोर्स में हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, फिर ग्रुप पे स्विच करेंगे और फिर स्ट्रक्चर की बात करेंगे. ओबी अप्लाइज द नॉलेज गेन्ड अबाउट इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन बिहेवियर, कि किस तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही है वो बिहेवियर पे इंपैक्ट करती है. OB is concerned with the study of what people do in organization and how the behavior affects the performance of the organization. Motivation, leader behavior, power, interpersonal communication, group structure process, learning attitudes, development and perception, change process, conflict, work design, work stress, bahut sare topics jo hain hum organizational behavior ke course mein discuss karenge one by one. Before we proceed, this is one thing that is also important for the students to understand. कि कई दफा, और आप लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस भी होते होंगे उन लोगों से कि जो आके बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर जाते हैं, उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनके व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी बुक्स भी बहुत ज्यादा बिकती हैं, लेकिन वो बहुत सारी जो बातें करते हैं ना, वो उनकी बैक पे कोई रिसर्च नहीं होती. वो बहुत सारी बातें जो है वो गट फीलिंग्स, कॉमन सेंस, एक बंदे की ऑब्जर्वेशन पे बेस करती हैं. ठीक है, जैसे मैं कहूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सिर्फ डंडे की जुबान समझते हैं, ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है. मैंने बात कह दी, मैंने वो बात कह के व्हाट्सएप पे बड़ा खूबसूरत सा एक मैसेज बना के उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया. एक बंदे ने पढ़ा, उसको बड़ा अच्छी ये बात लगी, दो बंदों ने पढ़ी, उन्होंने 100 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, 100 ने 1000 को फॉरवर्ड कर दिया. हालांकि मेरी उस बात में कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, वो एक इंट्यूटिव बात थी, वो मेरी गट फीलिंग्स थी, वो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी. मेरे जो महदूद एक सर्कल है उसमें मैंने दे लोगों को ये करते देखा. ऑन द अदर हैंड, when we study a course, specifically आप लोग जो courses पढ़ रहे हो वो सारे systematic studies पे base करते हैं, वो scientific course होते हैं. तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम organizational behavior पढ़ेंगे या उसकी back end पे psychological concepts पढ़ेंगे, तो वो maximum systematic study के जरिए ही वो knowledge generate हुआ है. और आपकी जो बुक्स होती हैं, आप अपनी कोई भी बुक उठा के अपने बीबीए में जो आपने पढ़ी है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स जब आप उनको ओपन करते हो उनके एंड पे देखा करो तो रेफरेंसेस दिए होते हैं कि जी इन इन रिसर्च पेपर्स में से ये नॉलेज मिला और यहां से हमने कंपाइल करके ये बुक लिखी. बकायदा सर्वे बेस्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई होती हैं जिसके बाद वो नॉलेज जनरेट होता है. तो ओबी में भी जो हम बातें सारी की सारी करेंगे, ऑल्दो उनमें से कुछ बातें कॉमन सेंस की होंगी, कुछ बातें कॉमन सेंस की नहीं होंगी, लेकिन वो सारा नॉलेज सिस्टमैटिकली जनरेट हुआ है यूजिंग द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिसर्च. और यहीं पे एक बहुत बड़ी वजह होती है कि अक्सर कॉन्सेप्ट जो हम लोगों में बड़े राइज हैं, जैसे कहा जाता है कि जी आपने अमरूद खाने, अमरूद के ऊपर आप पानी नहीं पी सकते. ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आपने फिश खानी है, फिश के साथ आप दूध नहीं पी सकते. अब ऐसी चीजों पे ना साइंस हंसती है, वो कहती है कि ये तो मिथ्स हैं, ये तो सूडो साइंसेस हैं.
अगर आपने कोई बात कहनी है और वाक्यतर आपने वो बात कहनी है तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक एविडेंस लेके आओ। अभी आप बेशक इस लेक्चर के बाद गूगल पे सर्च करना और आप देखना कि क्या कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि आप दूध नहीं पी सकते फिश के साथ। हालांकि आई पर्सनली नो मैं 90% ऑफ पाकिस्तानी इवन पूरे दुनिया में भी ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप फिश के साथ दूध नहीं पीते आपके बाल सफेद हो जाते हैं या आपको एक बीमारी हो जाती है, आपकी स्किन वाइट हो जाती है। बट साइंस कहती है कि इफ यू हैव अ हाइपोथेसिस, इफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट, तो आप उसका साइंटिफिक एविडेंस दें। और साइंटिफिक एविडेंस हमेशा आता है रिसर्च के जरिए। यही वजह है आपने देखा होगा कि जब COVID-19 की डिजीज आई तो पाकिस्तान में और दुनिया के और मुल्कों में भी जो हमारी कॉमन टेप होती है, जो कॉमन सेंस पे चलती है, उसने उसका इलाज एक दिन में बता दिया। ऐसा बताया कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। अब चाहे वो उससे ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन वो एक अर्ब है, सना मक्की, ठीक है, वो जी एक दिन में इलाज आ गया उसका सामने, उसकी कीमत बढ़ गई, मार्केट से वो शॉर्ट हो गई, जबकि उसकी वैक्सीन को मार्केट में आने में 1 साल से ज्यादा अर्सा लग गया। अभी तक वैक्सीन पे ट्रायल्स हो रहे हैं, एक ट्रायल, दो ट्रायल, तीसरा ट्रायल, फिर उन्होंने इमरजेंसी में इजाजत दी कि यूज करना शुरू कर दो, लेकिन फिर भी उनकी रिसर्च अभी तक जारी है। तो यहाँ पे भी हम ओबी में जो भी कॉन्सेप्ट्स स्टडी करेंगे वो सिस्टमेटिकली रिसर्च के जरिए वो फाइंड हुए हैं, ना कि वो कॉमन सेंस नॉलेज है। और जो सिस्टमेटिक स्टडी है उसको एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं। कि आप लोगों के लिए भी यहाँ पे ये पैगाम है, ये एक मैसेज है कि जब आपने कोशिश करनी है कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक डिसीजंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहे लोअर लेवल के मैनेजर हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर हैं या टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, ट्राई टू यूज दोज एविडेंस्ड जिनकी बेस पे आप डिसीजंस करें। ठीक है, एविडेंस मीन्स आपने शायद अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कोर्स में भी वो एक एक एक, एक टॉपिक था डिसीजन मेकिंग का, उसके अंदर वो लैपटॉप्स परचेज करने का, या मे बी मार्केटिंग के कोर्स में लैपटॉप परचेज करने का एक एग्जाम्पल दी हुई थी कि कौन सा बेस्ट लैपटॉप है। अब कोई बंदा है वो कहे यार मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो तो जी डेल यूज कर रहे हैं तो मैं भी डेल ही खरीदूंगा। एक तो ये इंट्यूटिव डिसीजन हो सकता है, और दूसरा डिसीजन का ये है कि यू नीड टू परचेज लैपटॉप, उसके फैक्टर्स देखेंगे जी लैपटॉप किसके लिए परचेज करना है। क्या लैपटॉप आपने सेल्स वालों के लिए परचेज करना है जिन्होंने उसको फील्ड में लेके जाना है, तो यू नीड अ लैपटॉप विच इज लाइट वेट, विच हैज मोर बैटरी टाइमिंग। अब आप उसको एक प्रॉपर साइंटिफिक, एक साइंटिस्ट की तरह आप चीजों को एवेल्युएट कर रहे हैं। या आपको जी बैटरी टाइमिंग भी चाहिए, लैपटॉप जरा सॉलिड होना चाहिए और उसका साइज और वेट कम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे यू सर्च फॉर द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। आप देखोगे कि जी मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज के लैपटॉप हैं जो इस खसूसियत पे पूरे उतर रहे हैं। हो सकता है आप उनके स्पेक्स के हिसाब से उनको नंबरिंग देना शुरू कर दो कि जी इसको मैं 2 देता हूँ, इसको 3 देता हूँ, इसको फिर 2 देता हूँ, इसको यहाँ पे इस वाली खसूसियत को मैं 3 नंबर दे देता हूँ। होते होते आप कहते हो जी इसके नंबर आ गए 9, इसके नंबर आ गए 8, इसके नंबर आ गए 7, सो आई विल चूज द वन विच इज 9। ये है सिस्टमैटिक अप्रोच और एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। और दूसरी अप्रोच कि जो ज्यादातर लोग यूज कर रहे होते हैं, ज्यादातर हमारे लीडर्स यूज कर रहे होते हैं कि जी मुझे ये चीज अच्छी लगती है, आई विल हैव डेल, या फिर किसी और कंपनी ने एसर ने आपको जी कमीशन दे दिया, चूज एसर। ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर नॉट सिस्टमैटिक और एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट। ऑन द अदर हैंड sometimes you need intuition. अब आप ये सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि use systematic approach, और फौरन ही अगली स्लाइड में मैं आपसे कह रहा हूं कि you also need intuition.
तो व्हाई आई एम सो कॉन्ट्रडिक्टरी हियर, उसकी वजह ये है कि यू डू नॉट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड ऑलवेज टू डू अ सिस्टमैटिक स्टडी. समटाइम्स डिसीजंस ऐसे भी लेने पड़ते हैं कि फौरी तौर पे आपने डिसाइड करना है बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई एंड टाइम इज वेरी लेस, तब आपको अपनी इंट्यूशन यूज करनी पड़ती है. लेकिन कैसे उसको बेहतर बनाया जाए? सो उसको बेहतर बनाने का तरीका होता है द नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस. प्लस योर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. भाई अगर आप लोगों ने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया है, इतनी आपने स्टडी की है, यू आर अ बुक रीडर. क्यों बार बार कहते हैं कि बुक रीडिंग इज रिलेटेड टू सक्सेस? बिकॉज बुक रीडिंग, बचपन से जो बुक रीडिंग कर रहा है उसके पास उतना ज्यादा नॉलेज होगा कि वो जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाएगा तो उसको अप्लाई करेगा. केस स्टडीज, डिफरेंट सिनेरियो से गुजरना, डिफरेंट सिमुलेशन से गुजरना, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. जितना जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा आपकी डेटाबेस में वो सेव होता जाएगा. जितने इलाके आप घूमे फिरोगे, बाहर के मुल्कों से होके आओगे या कम से कम उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, आपको उनके बारे में पता चलेगा. तब आपको जरूरत होगी अगर किसी डिसीजन मेकिंग की जो आपने फौरी तौर पे करनी है, तो आपके डेटाबेस जो माइंड में स्टोर्ड है वो आपसे बेहतर डिसीजन करा लेगा. तो यहां पे ये जरूरी है कि यूज एविडेंस एज मच एज पॉसिबल टू इन्फॉर्म योर इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस. दैट इज द प्रॉमिस ऑफ ओबी. ओबी आपको अब यहां पे जो हम बातें सीखेंगे आपके फ्यूचर लाइफ में हेल्प आउट करेंगी. वजह कि जब लोगों से मुतल्लिक आपने डिसीजन लेना है, तब आपको लोगों के बारे में जानना है, तब आपको वहां पे पता चलेगा यार ये इस किस्म का बंदा है, इसको तो ये जॉब देनी चाहिए. ये बंदा इतना टेक्निकली साउंड है लेकिन ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? आपको पता चलेगा ये इमोशनली स्टेबल नहीं है. इसको किस तरीके से मैं इमोशनली स्टेबल कर सकता हूँ? यू विल लर्न दोज टूल्स एंड टेक्निक्स. आपके सामने एक बंदा आएगा, आपको पता चलेगा यार लोग इसको बहुत पसंद करते हैं पर ये तो काम कख नहीं करता. तब आपको पता चलेगा कि ये इंप्रेशन मैनेजमेंट की टेक्निक्स यूज कर रहा है कि जी मैं लगूं तो बहुत फिट, बहुत लोगों के नजर में अच्छा, लेकिन वैसे इसको टेक्निकली कोई काम आता नहीं. दिस इज हाउ वी लर्न अबाउट पीपल इन ओबी. सो हियर वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक.